दोस्तों, काम करते करते अभी जो टाइम हो चुका है वो ये देख सकते हैं आप। टाइम हो गया है हमारा 3:30 बज गए हैं और डेट अपनी वही चल रही है। तो यानी कि बढ़िया तरीके से आप देखेंगे अगर पीछे गेट खोल देते हैं, अभी दोस्तों रात ही है, राइट। तो वही है दोस्तों, जो काम चल रहा है यार, काम करते करते ना मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। पीछे आप देख ही रहे हैं ग्रेफाइट का एमिनम के ऊपर अपना जो काम है वो चल रहा है बढ़िया तरीके से। और बस अब यही है कोशिश दोस्तों, अब जैसे इसमें ना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, हल्की हल्की क्या आ रही है कि पैचेस लग गए हैं, उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं एंड शेडिंग को ब्लेंड करने में यार बड़ा वो आ रहा है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि यार टोम्बो पेंसिल, जिसका नाम इतना ज़्यादा जो है हमारी फील्ड में है, वो इस तरीके से जो है रिजल्ट देगा, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। मतलब मुझे अब पेपर चेंज करके देखूंगा तब पता चलेगा कि यार ये सच में किस तरीके से काम कर रही है, राइट। तो फिलहाल दोस्तों बस यही है कि थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रहे हैं, सुबह हो जाएगी तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया से, क्योंकि भूख लग रही है रात को ना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर थोड़ी देर के बाद, काम वगैरह करते हैं इस पर बैठ के अच्छे से और फिर दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्तों हो चुकी है मेरी सुबह की शुरुआत, वो भी दोपहर में 12:30 बजे के साथ। दोस्तों आजकल रात में नींद जो है ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, तो फिर रात को अपना काम चलता है, सुबह नींद आती है और बस उसी वजह से थोड़ा रनिंग भी यार अफेक्ट हो रही है, नहीं जा पा रहा हूँ। और क्लासेस का भी थोड़ा सीन यार अब ऐसा हो गया कि शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, करेंगे उसको भी बैलेंस अच्छे तरीके से, जब इतना किया तो दोस्तों उतना भी करेंगे, राइट। तो वही था दोस्तों, अब 12:30 बज गए हैं तो भी अब क्लास शुरू करनी है थोड़ी देर बाद, 1 बजे क्लास है। तो क्लास से दोस्तों फ्री होने के बाद फिर अपनी एक और क्लास है, तो दोपहर में लंच करेंगे उसके बीच में, एंड देन उसके बाद दोस्तों आज शाम को एक बार स्टूडियो विजिट करके आना है। कुछ बच्चे आएंगे जिनका आर्टवर्क मैंने शेयर भी किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, करणदीप एंड कृषदीप, तो लोग आएंगे अगर आज तो दोस्तों उनसे मिलते हैं बढ़िया तरीके से, उनके पापा भी आएंगे। बाकी फिर उसके बाद दोस्तों शेड्यूल आपको दिखाते हैं। एमिनम वाला जो हमारा काम है कल रात को बैठ कर अच्छे से किया था, बट वो ये करते करते यार स्ट्रेथमोर शीट ना भाई बहुत टाइम लेती है, ये बात तो है। और टोम्बो पेंसिल के साथ ना मैं सच बताऊँ दोस्तों उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप इसको लो। एक लग्जीरियस प्रोडक्ट लगता है दिखने में, बट मुझे लगता है यार आर्ट लाइन और स्टेडलर ही उससे ज़्यादा बेटर है। उनसे भी काम ज़्यादा बढ़िया आ जाता है, क्योंकि मैंने जो अब्राहम लिंकन और मम्मा के जो पोर्ट्रेट पे काम किया था वो ज़्यादा बढ़िया आया था इससे, और कंट्रास्ट स्केल में भी ना मज़ा दिला दिया था। तो चलिए जैसे देखते हैं, अब काम उठाया दोस्तों तो ख़त्म करके ही मानेंगे एमिनम वाला भी, आज में नहीं तो कल में उसको फिनिश कर देते हैं और उसकी फाइनल फोटो कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखाते हैं, है ना। तो फॉलो करते रहिए आर्टिस्ट दीपकरण को भी, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो क्लास दोस्तों मेरी शुरू हो चुकी है, और जो आज मेरी जो क्लास थी दोस्तों वो थी पेन के ऊपर। तो पेन के टेक्निक्स मैंने जो है नेहा मैम को बताई कि भी किस तरीके से आपको जो है काम करना है, और पेन के दोस्तों ये ट्रिक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं, पेन में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से दोस्तों काम निकलते हैं और सच में मज़ा आता है पेन के कामों में। फिर पेन के काम कर लेने के बाद दोस्तों फिर मैंने अपनी हैंड राइटिंग की जो वीडियो बनाता हूँ रेगुलर बेस पे, वो हैंड राइटिंग की वीडियो बनानी शुरू करी। यहाँ पर मेरे पास रेनोल्ड्स का दोस्तों आज एक नया पेन था, उससे ये हैंड राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। हैंड राइटिंग कैसी लगी दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगेगा मुझे, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा आप लोगों के लिए कि भाई मैं और अच्छे से अपना जो कंटेंट है उसको बढ़िया बनाऊं। तो ये कर लेने के बाद दोस्तों फिर अपना बढ़िया तरीके से भाई थोड़ा सा चिल करा, अगली क्लास का वेट किया मैसेज का, बट दोस्तों मैसेज जो है नहीं आया, तो फिर मैं पहुंच गया अपने स्टूडियो। तो स्टूडियो अपना जो है आकर के भाई मैंने बच्चों से मिलना था शाम को, तो फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है स्टूडियो पहुँच जाते हैं टाइम से, और फिर शाम को अपना जो है स्टूडियो में टाइम स्पेंड किया। तो दोस्तों अपने घर पे आ चुके हैं, अब घर पे आ जाने के बाद दोस्तों नहा धो के रात में, यार आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह मैं हुआ, थोड़ा मस्त तरीके से अपना आपको थोड़ा मस्त अपना आराम दिलाया, और अब दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं अपने काम पे। तो ग्रेफाइट वाला काम का आज मैं सोच रहा हूँ कि एक आखिरी दिन अपना जो है लेता हुआ चलूँ और बढ़िया तरीके से अपने काम को जो है फिनिश करता हुआ चलूँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की डेट में जो है मेरा जो ग्रेफाइट का काम है एमिनम वाला वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो देखते हैं दोस्तों फिर उसको किस तरीके से फिनिश करना है, एक दिन और ले लेंगे, एंड देन हमारा जो है कलर पेंसिल वाला वर्क, उसके बाद अपना नया काम दोस्तों शुरू। और जितने भी काम होंगे ना लगभग दोस्तों चारकोल में करते हैं, क्योंकि यार चारकोल में करने का ना मेरा मन बहुत ज़्यादा करने लगा है। मैंने कहा यार अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, अपने मन को अच्छा करने के लिए वो मीडियम करो जो मीडियम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऑयल पेंटिंग और अपने चारकोल।
ग्रेफाइट भी करेंगे, ऐसा नहीं है, बट चारकोल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। चलिए बैठते अपने काम पे। तो ये काम दोस्तों आप देख ही सकते हैं, अभी हमारा जो है इतना काम हो चुका है हमारे फेस के ऊपर। अब जो है अपनी यूट्यूब पे एक बढ़िया बढ़िया सा जो है पॉडकास्ट चला के अपना ये जो एरिया है आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इस एरिया पे जो है दोस्तों हमें काम करना है। जो मीडियम शेड है उसको बढ़ा देंगे और लाइट वाले एरिया को थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं अभी लगभग 2, आई थिंक, देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है, पहले टाइम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों रात के बज रहे हैं 2, बस 3 मिनट बचे हुए हैं। तो काम अपना जो है लगभग, काम जो है अपना दोस्तों एमिनम वाला, वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया और अपने आर्टिस्टिक तरीके से उसको जो है कंप्लीट किया है। थोड़ी गर्मी लग रही थी, मैंने यार चलो टी शर्ट भी चेंज करते हैं बढ़िया तरीके से। और अपना काम जो है दोस्तों अभी मैं आपको एक बार हल्की सी झलक उसकी दिखा देता हूँ कि कैसा जो है काम वो हो चुका है। मैंने अपने उसको पैटर्न को बदल दिया, मैंने कहा यार ये पेंसिल, मैं सच बताऊँ टोम्बो की पेंसिल्स यार बिल्कुल भी परचेज मत करना, मज़े वाली बात है ही नहीं। और मेरे ख्याल से यार स्ट्रेथमोर की शीट के ऊपर, क्योंकि मैंने आर्ट लाइन भी यूज़ करी है और स्टेडलर भी, दोनों ने बढ़िया रिजल्ट दिया, लेकिन टोम्बो के साथ यार यहाँ ना कुछ मज़े वाली बात रही नहीं। तो मैंने ना अपने आर्टिस्टिक वे से, मतलब तरीके से, अपने जो रेफरेंस था उसको बदल दिया है। अब दिखाता हूँ आपको मैंने कैसा किया है, तो कमेंट करिएगा कि आपको आपको कैसा लगा, क्या ये यूनिक पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। देखिए देखिए दोस्तों ये हमारा जो पैटर्न है ये मैंने बदल दिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखाया है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि भाई कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े जो है वो मैंने इस तरीके से 3D पैटर्न के साथ दिखाए हैं। और ये जो इरेजर का मेरा दोस्तों अपना मार्क है, ये मेरा फिट हो चुका है, आई मीन फिक्स हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। मुझे ये इरेजर से यार ये जो उड़ते हुए इरेजर के ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं डालने। तो ये देखिए, और ये बीच बीच में छोटी छोटी लाइंस भी हैं इरेजर से, ये मैंने डाल दी है। तो बताइएगा दोस्तों ये कैसा लग रहा है आपको रेफरेंस बन जाने के बाद, क्या ये अभी भी एमिनम जो है लग रहा है या नहीं लग रहा है, और रेफरेंस ओवरऑल लुक वाइज कैसा लग रहा है दोस्तों, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये था दोस्तों झलक। अब इस झलक के बाद दोस्तों अभी भी काम अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने जो है कलर पेंसिल वाला काम खत्म करना है, तो वो भी काम खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से। उसमें भी कुछ ऐसा ही यूनिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल पे। अब जो है रात हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे रात का अपना माहौल है बढ़िया तरीके से, अपना जो है अब 2 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट कर लेने के बाद फिर अपना जो है बैठेंगे अपना कलर पेंसिल वाले आर्ट वर्क पे, और फिर उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसका भी वो आपको दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आपसे मिलते हैं अब कल की वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में आपको कलर पेंसिल वाला वर्क देखने को मिलेगा।